क्या होगा अगर सुपर हीरो भी सिक्स कोर पावर्स शज़ाम, सुपरमैन और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ाम, डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन या डेमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ाम, घोस्ट राइडर और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शैन की वजह से मोस्ट पावरफुल एक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ाम वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ाम की, तो शज़ाम का असली नाम बिली बैटसन है जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुनके अपनी पावर्स दी है। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें शज़ाम की पावर्स की, तो शज़ाम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ाम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है, स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। वैसे शज़ाम की पावर्स, और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सरवाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सरवाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एक ट्रेन फाइटर है जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, जहां पर शज़ाम को ये भी नहीं पता कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है और अपनी ट्रू पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। सुपरमैन कई सालों से अपनी पावर्स को यूज करता आया है और वो शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। जब कॉमिक्स में शज़ाम और सुपरमैन के बीच फाइट हुई थी तो सुपरमैन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि शज़ाम ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है, पर फिर भी सुपरमैन इस फाइट को इजीली जीत गया था क्योंकि शज़ाम की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका होस्ट बिली बैटसन, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है, ना ही उसे उसकी ट्रू पावर्स के बारे में पता है और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। और इसी की वजह से जब भी शज़ाम की सुपरमैन या ब्लैक एडम के साथ फाइट हुई है शज़ाम हर बार हारा है। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सुपरमैन पर अटैक करेगा पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और फास्ट है, इसलिए वो शज़ाम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सरवाइव कर सकता है और सुपरमैन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। और कॉमिक्स की तरह इस बार रिजल्ट सेम रहेंगे जिसमें फाइट थोड़ी लंबी चलेगी बट एंड में सुपरमैन शज़ाम को हरा देगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे सेम पावर्स होने के बावजूद शज़ाम ना ही सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा सुपरमैन ही। तो बात करते हैं शज़ाम वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है।
बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसिफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी की भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर संभव कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती है। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़ार्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि हेल से आया हुआ एक डेमन है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो अपनी हेल फायर से थोर के म्योनीर तक को मेल्ट कर चुका है। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा, पर घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। और अगर शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने सुपर पावरफुल अटैक से घोस्ट राइडर की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है, और इवन शज़ाम का घोस्ट राइडर को पंच करना भी उसके लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि वो इससे नहीं मरेगा, पर हेल फायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। और अगर इस फाइट के दौरान शज़ाम ने गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लिया तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू एक ही सेकंड में शज़ाम की सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। शज़ाम का पावरफुल से पावरफुल अटैक घोस्ट राइडर के खिलाफ अनइफेक्टिव होगा, पर अगर घोस्ट राइडर की चेन, नाइफ या शॉटगन में से कोई भी वेपन शज़ाम के साथ टच भी हुई तो ये शज़ाम के लिए डेडली होगी। और अगर शज़ाम टाइम रहते वहां से भाग या घोस्ट राइडर से माफी मांगकर हार नहीं मानता तो ये फाइट शज़ाम की लास्ट फाइट होगी। इन दी एंड शज़ाम ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि घोस्ट राइडर शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।